हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। जैसे हमारे पहले प्राय वीडियो में देखे होंगे, स्पेशलाइजेशन हियरिंग इम्पेयर्ड में मेरे लेक्चर्स होते हैं। आज हम आप लोगों को बीएड स्पेशल एजुकेशन डिस्टेंस मोड के बीएड एससी 03 पेपर का है, जो इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी का है। इस पे हमारे और भी लेक्चर पीछे हुए हैं। आज जो हम हैं वो यूनिट 4 और 5 की चर्चा करेंगे, इसमें जिसमें इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस ऑन कम्युनिकेशन। इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस ऑन कम्युनिकेशन, इस पर चर्चा करेंगे। कम्युनिकेशन पे हियरिंग इम्पेयरमेंट का, हियरिंग लॉस का क्या प्रभाव है, प्रायः आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो कम्युनिकेशन मेरा मेन थीम है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन है क्या, पहले हम ये जानेंगे, जिसमें कम्युनिकेशन ऑप्शंस भी जुड़ा हुआ है, कितने विकल्प होते हैं हमारे कम्युनिकेशन को। तो पहले हम सबसे पहले कम्युनिकेशन को जानते हैं। कम्युनिकेशन, अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन प्रायः एनिमल वर्सेस ह्यूमन कम्युनिकेशन की बात होती है। एनिमल कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन, एनिमल कम्युनिकेशन, ह्यूमन। एनिमल कम्युनिकेशन में आप अगर हम जानेंगे, जैसे मक्खियों का भिनभिनाना, या प्राय अगर हम अपने घर परिवार में कोई पालतू जानवर अगर रखे हैं, तो जैसे हम दरवाजा नॉक करते हैं, कुत्ता दौड़ के अपने दुम को हिलाते हुए आता है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट होता है ये, कि वो आपसे ये कह रहा है कि हमें आपके आने पर मैं बहुत खुश हुआ, ये कम्युनिकेशन है। प्रायः डॉल्फिन वगैरह ऐसे हैं कि अगर उनके पॉन्ड में अगर डॉल्फिन वगैरह मछलियाँ हैं, आप चलते रहेंगे, कुछ चारा वगैरह ऐसे फेंकते हैं मछलियों के, वो ऊपर आती हैं, खाती हैं, फिर नीचे जाती हैं, आपको देखने के बाद भी वो ऊपर नीचे करना चालू करती हैं, अपनी खुशी जाहिर करती हैं। ये भी कम्युनिकेशन है एनिमल कम्युनिकेशन का। एनिमल कम्युनिकेशन में प्राय आप जैसे पैरट वगैरह को भी देते हैं, तो कम्युनिकेशन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो केवल एनिमल टू एनिमल है, हम एनिमल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन की प्राय चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं और उनको फॉलो करते हैं। प्राय चिंपैंजी वगैरह का भी देखें तो वो ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो पार्ट है वो एनिमल कम्युनिकेशन। अब ह्यूमन कम्युनिकेशन में हम बात करें तो इसमें आएगा प्राय लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन कौन सा है, नॉन लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन का ऐसा माध्यम जिसमें हम भाषाओं के द्वारा हम अपना संप्रेषण करते हैं, और नॉन लिंग्विस्टिक यानी ऐसा कम्युनिकेशन या ऐसा संप्रेषण जिसमें भाषा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन क्या है, जैसे प्राय हम लोग बात करते हैं, ये लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होता है। हम भाषा में बात कर रहे हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी है, मराठी, तमाम भाषाएं, उसमें जो बातचीत करते हैं, ये हमारा लिंग्विस्टिक हो गया। नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन क्या है, ऐसा संप्रेषण जिसमें भाषा के बिना, भाषा नहीं होता फिर भी हम उससे हमारा संप्रेषण बनता है। जैसे कभी आपने सिग्नल लाइट देखा होगा, सिग्नल लाइट में येलो, ग्रीन और रेड का होता है। जैसे ही रेड होता है, अब रेड का जलना वहाँ पे, ये कोई भाषा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रायः समझ पाते हैं कि अब हमें रुकना है। येलो जलने के बाद लोग अलर्ट होते हैं, ये संदेश देता है कि अलर्ट हुआ, कि ये संदेश है कि हमें अब अलर्ट होना है, हमें ब्रेक लगाना है या चलने के लिए तैयारी करना है। फिर ग्रीन आता है, तो ग्रीन यह सिग्नल देता है कि हमें अब चलना है। तो ये भाषा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हम संप्रेषण कर पाते हैं, सूचना का आदान प्रदान होता है। तो ये सब सारे नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है। और क्या है, कभी हम नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन का ये भी माध्यम है, प्राय कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर तालियाँ बजाना हुआ, ताली बजाना भी संप्रेषण हो रहा है,
हम उनको ताली बजा के उनका संवर्धन कर रहे हैं, उत्साह संवर्धन कर रहे हैं, उनको पुरस्कार दे रहे हैं, तो ये सब भी है, लेकिन ये भाषा नहीं है, नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन ये है। और प्रायः कभी हम आप जाते हैं मार्केट वगैरह में खड़े हैं, दूर तक उसकी आवाज़, जैसे दुकानदार से कुछ पूछना हुआ, प्रायः इशारे में बात कर लेते हैं। ऐसा ऐसा किया जाने क्या है, पैसा, पैसे के लिए इशारा, भाषा तो नहीं था लेकिन संप्रेषण हुआ। ये क्या हुआ, नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। ठीक, अब लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के भी हमारे अगर हम बात करेंगे तो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के भी पार्ट हैं। अब वो है जैसे वर्बल, यानी मौखिक और अमौखिक। वर्बल क्या होगा, वर्बल हुआ जैसे हम आप बात करके कर रहे हैं जिसमें ध्वनि इन्वॉल्व है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब हम इशारे में कुछ कोई चीज बात कर पा रहे हैं, भाषा नहीं है। यह ये भी है सांकेतिक भाषा, जो हमारी लैंग्वेज भाषा कौन सी हुई, सांकेतिक भाषा, ये सब हमारे नॉन वर्बल है, यानी आवाज ध्वनि नहीं है, फिर भी संप्रेषण का एक माध्यम बन रहा है जो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से बोल देते हैं। और नॉन वर्बल वो भी हो सकता है कौन सा, जो हम अखबार पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, इससे भी हमें संदेश का आदान प्रदान होता है, तो ये भी हमारे नॉन वर्बल में, लेकिन ये वहाँ पे वर्बल हो जाएगा जब हम तेज से पढ़ के पढ़ेंगे। साइलेंट रीडिंग, दो माध्यम होते हैं रीडिंग के, एक साइलेंट रीडिंग का है और एक है लाउड रीडिंग है। तो जब हम साइलेंट रीडिंग के माध्यम पे जाएंगे तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा और वो वर्बल का। अभी तक हम इस उसमें जाने की कम्युनिकेशन के क्या क्या माध्यम है, जिसमें एनिमल कम्युनिकेशन की बात की, ह्यूमन कम्युनिकेशन की बात की, फिर कम्युनिकेशन को मैंने दो रूपों में, लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक में देखा। तो लिंग्विस्टिक में, नॉन लिंग्विस्टिक में हमारे एग्जाम्पल आपको बताया, लिंग्विस्टिक में वर्बल और नॉन वर्बल। अब हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक के और ऑप्शन के रूप में। लिंग्विस्टिक ऑप्शन में मूड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। मोड यानी माध्यम क्या है, जिसको ऑप्शन भी है, विकल्प भी हम कहते हैं। तो ये एक हमारी जो टॉपिक से रिलेटेड है, ऑप्शंस, कम्युनिकेशन ऑप्शंस, ऑप्शंस में लिंग्विस्टिक मोड के कौन कौन से माध्यम है ये हम जानेंगे। फर्स्ट है इसमें ओरल, ओरल ओरल। ओरल क्या है, सुनना। ओरल क्या है, बोलना। यानी ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा विकल्प है जो प्रायः तमाम जो हमारी ज्यादा से ज्यादा जो संख्या है वो यहाँ है। ओरल ओरल कम्युनिकेशन होता है, सुनना है और बोलना है, जिसको हम प्रायः कहते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये है ओरल, ओरल का माध्यम, सुनना और बोलना। इसके बाद जो क्रिया को नहीं फॉलो कर पाते हैं या ये विकल्प उनके लिए सुटेबल नहीं होता है, फिर वो होता है दूसरा जो ऑप्शन है वो विजुअल विजुअल ग्राफिकल का है। दूसरा माध्यम क्या है, यानी यहां पे जब हम ये मोड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन अगर यहां पे विफल हो रहा है तो दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन का माध्यम होता है विजुअल और ग्राफिकल का। और वो विजुअल ग्राफिकल यानी क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। तो ओरल ओरल यानी जो हम आप कर रहे हैं, संवाद हो रहा है, हम किसी से बातचीत करते हैं, ये ओरल ओरल हुआ। अगर हम उस कर पाने में नहीं सफलता मिल रही है तो फिर दूसरा जो माध्यम बचता है वो होता है रीडिंग एंड राइटिंग का। ये सेकेंडरी कम्युनिकेशन वो है, पर्याय है, विकल्प है। यानी प्राय जब देखते थे जब कोई दूर जा, आजकल तो मोबाइल हाथ में है, हम टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं किसी को, अपना संदेश करना है, व्हाट्सएप पे लिखा, मैसेज किया, ईमेल किया, वो क्या हो गया, ये ऑप्शन है जहां से हमने आया।
अगर हम बात नहीं कर पा रहे हैं तो फोन से भी हुआ, अगर फोन से बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो गया। फर्स्ट, अगर बात हम नहीं कर पा रहे हैं क्या किया, मैंने टेक्स्ट मैसेज लिख दिया व्हाट्सएप वगैरह, प्रायः ये विकल्प पहले भी था। पहले जब आदमी ऐसे बात नहीं कर पाता था, यहाँ पे भी कठिनता होती थी, तो क्या चिट्ठियां लिख देते थे, पत्र लिखते थे, तब ये माध्यम दूसरा वाला विकल्प बनता था रीडिंग एंड राइटिंग का। और जहां पे ये और ये दोनों विकल्प अगर नहीं मिलता है, दोनों विकल्प में अगर वो प्रायः नहीं कर पाता है, तब उसके सामने एक तीसरा जो विकल्प के रूप है वो है विजुअल मैनुअल। विजुअल मैनुअल यानी क्या, साइन, साइन, विजुअल मैनुअल एंड साइन। अब साइन में दोनों चीजें हैं, साइन लैंग्वेज एंड साइन सिस्टम, दो चीजें, साइन सिस्टम दोनों ही है, विजुअल मैनुअल। ये प्राय क्या है, ये जो हमारा मेन टॉपिक है हियरिंग लॉस, हम इसकी बात कर रहे हैं। इस पे विजुअल मैनुअल किस लिए एक विकल्प बनता है कम्युनिकेशन करने का, वो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के लिए, वो प्राय इस वाले माध्यम से वो करते हैं, तीसरा विकल्प के रूप में हमारे मिला। और फिर है विजुअल विजुअल फेशियल। विजुअल फेशियल यानी क्या है, लिप रीडिंग, लिप रीडिंग, या इसी को कहते हैं स्पीच, स्पीच रीडिंग, लिप रीडिंग या स्पीच रीडिंग, ये हमारा दूसरा विकल्प के रूप में होता है लास्ट। तो ये हमारे क्या हुआ, मोड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है। और ये लिंग्विस्टिक यानी भाषाई संप्रेषण, ये सभी किसी न किसी भाषा में है। हम यहां पे भी अगर बात कर रहे हैं, ये कंफ्यूज ना हुए, साइन लैंग्वेज एक कंप्लीट भाषा होता है, इसीलिए उसमें लैंग्वेज भी जुड़ा है। तो साइन लैंग्वेज ये नहीं कि ये लिंग्विस्टिक कैसे है, प्राय कभी कभार ऑप्शन में या पूछे जाने पर प्राय छात्र ये गलतियां कर देते हैं कि नॉन लिंग्विस्टिक में इसको नाम डाल देते हैं सांकेतिक भाषा, जबकि भाषा है ये बोला भी जा रहा है। तो ये कंप्लीट भाषा है, ये भाषा से इतर नहीं है, इसीलिए इसको लिंग्विस्टिक में हम मानते हैं। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में ओरल ओरल, लिसनिंग स्पीकिंग, विजुअल ग्राफिकल, रीडिंग एंड राइटिंग, मैनुअल, साइन लैंग्वेज या सिस्टम की बात हुआ, विजुअल फेशियल, लिप रीडिंग की बात हुआ। अब हम इसके बाद हम आप लोगों को एक, अब जो मेन हमारा थीम था क्या है, इंपैक्ट, इंपैक्ट पे चर्चा करेंगे, इंपैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस। इंपैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस पे जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा प्रभाव के बारे में अगर हम जानेंगे कि हियरिंग लॉस का क्या क्या प्रभाव है, तो इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है हियरिंग लॉस का या हियरिंग इंपेयरमेंट का। फर्स्ट अगर हम बात करें, जो अभी प्रायः हम बात कर रहे थे वो क्या है, कम्युनिकेशन, डिलेड। सबसे पहला क्या हुआ, संप्रेषण जो होता है वो देर से हो जाता है। और संप्रेषण होगा कैसे, डिलेड संप्रेषण ही नहीं, ये अफेक्ट हो जाएगा, ये इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इंपैक्ट ऑन, सीधे प्रभाव अगर हम इंपैक्ट की बात करें हियरिंग लॉस का, तो इंपैक्ट ऑन कम्युनिकेशन, संप्रेषण पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा यानी बच्चा, वो श्रवण बाधित बच्चा वो बात नहीं कर पाएगा, संप्रेषण प्रभावित है। संप्रेषण क्यों प्रभावित हो रहा है, उसका मेन कारण क्या है, मेन कारण है इंपैक्ट ऑन लैंग्वेज
एंड स्पीच, भाषा और वाणी पे। श्रवण बाधित बच्चे का अगर एक सेंस हियरिंग खराब होता है तो उसका सबसे पहले जो जाता है वो क्या जाता है, लैंग्वेज और स्पीच। प्रायः लैंग्वेज और स्पीच उसका प्रभावित होगा, भाषा का विकास नहीं होता है, वाणी का विकास नहीं होता है। और वाणी और भाषा दोनों मिलके क्या करते हैं, इस कम्युनिकेशन को प्रभावित कर देते हैं। यानी हियरिंग इम्पेयर बच्चे का अगर लैंग्वेज और स्पीच अगर प्रभावित हो गया तो उसका कम्युनिकेशन भी स्वाभाविक है प्रभावित ही होगा। इसका अगर ये तीनों अगर ये जैसे प्रभावित हो गए तो एक तो क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या होगा, जैसे एजुकेशनल उसका शैक्षणिक जो शिक्षा है वो प्रभावित होता है, इंपैक्ट ऑन अचीवमेंट या एजुकेशनल शैक्षणिक अचीवमेंट। क्योंकि अगर हम ये प्रायः आज हमारा इतना एडवांस एजुकेशनल सिस्टम है, हम हर चीजों को उसको जब चाहिए तब करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जब हम इसके ऑप्शन में हम गए थे जहां पे इंटरवेंशन की चर्चा किए थे कि इंटरवेंशन क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों फुलफिल हो रहा है तब उनका एजुकेशन सिस्टम को हम कुछ हद तक हम अचीव कर पाते हैं। लेकिन जिसका डिले आइडेंटिफिकेशन, डिले इंटरवेंशन होता है, तब उनके में ये प्रभाव भी हमारा डिले ही हो जाता है। इवन ये ही नहीं, लैंग्वेज भी उनका प्रभावित हो जाता है, स्पीच भी उनका, संप्रेषण भी उनका प्रभावित हो जाता है। ये पूरा चीजें ये हैं। अच्छा, इन सब का अगर प्रभाव पड़ गया, संप्रेषण भी प्रभावित हो गया, वाणी और भाषा भी प्रभावित हो गया, तो उसके बाद जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उनका प्रभावित होता है, वो क्या आता है, इम्पैक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास को प्रभावित कर दिया, सामाजिक विकास प्रभावित हो गया। कैसे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम आप भी जानते हैं, हम आप संप्रेषण कर पा रहे हैं स्वाभाविक तौर पर। क्यों, क्योंकि हमारा हियरिंग सेंस बेहतर था, हमें हमारा पूर्व में जो सेंस ऑर्गन है वो पूरी तरह से नॉर्मल थे, अफेक्ट नहीं थे। एक मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है बताया तो वो कहीं ना कहीं समुदाय में रहता है। समुदाय की मुख्य धारा से बने रहने के लिए क्या जरूरी है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, संप्रेषण। और संप्रेषण होने के लिए क्या जरूरी है, भाषा और वाणी, जिसके माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं। और भाषा और वाणी क्यों प्रभावित है, क्योंकि उसके पास हियरिंग सेंस नहीं है। तो यह समझ में आया होगा कि अगर हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है उसका सोशल डेवलपमेंट प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाने में पूरी तरह से सफल नहीं होता है, कठिनाई महसूस करता है। कठिनाई महसूस करेगा तब उसका क्या होगा, क्या अफेक्ट जाएगा, सोशल डेवलपमेंट जिसका प्रभावित हो गया तो क्या होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या इसको क्या कहेंगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ये दोनों जो हमारे फैक्टर हैं, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट की बात कर लें चाहे इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात कर ले, ये दोनों ही गोल कौन से हैं, एजुकेशनल एम्स, एजुकेशनल एम्स। ये शैक्षणिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के रूप में अगर हम मानते हैं तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव है सोशल और इंडिविजुअल। यानी वैयक्तिक विकास होना मनुष्य का सबसे जरूरी है और सामाजिक विकास होना बहुत जरूरी है। और जो हम अफेक्ट बता रहे हैं ये सब इंटरकनेक्ट है। जिसका कम्युनिकेशन प्रभावित होगा, लैंग्वेज एंड स्पीच प्रभावित हो गया तो कम्युनिकेशन प्रभावित हो गया, कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ तो एजुकेशनल अचीवमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डिलेड उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट उनका प्रभावित हो रहा है। ये तमाम चीजें अफेक्ट होगी, ये तमाम चीजें अफेक्ट होंगी तो उनका और क्या क्या प्रभावित हो सकता है,
ये सभी इसके बाद उनका इमोशनल इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक, ये प्रायः अगर आप देखेंगे तो ऐसे बच्चे एकांकी हो जाते हैं, एक दूसरे से मेल जोल उनका कम होने लगता है। मेल जोल कम होगा तो क्या करेंगे कि उनका जो संवेगात्मक विकास होना है वो प्रभावित हो जाता है, यानी कभी कभार एग्रेसिव उनके अंदर आ जाता है, गुस्सा ज़्यादा हो जाता है, बात बात पर गुस्सा करते हैं। कैसे प्रभावित हुआ? शायद हाँ, वो अपनी बातों को या हम अपनी बातों को उनकी पास तक या वो अपनी बातों को हमारे पास तक पहुँचाने में सफल नहीं हो पाते, कठिनाई महसूस करते हैं, तो ये विसंगतियाँ उनमें प्राय देखने को मिलती हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अब ये तो हमारे हो गए कि ये अब अफेक्ट हैं, अब हमारे चैलेंजेस क्या होंगे, इश्यूज, चैलेंजेस पे अगर हम चर्चा कर ले थोड़ा सा, तो चैलेंजेस हमारे क्या होंगे? चैलेंजेस होंगे हमारे लिए इनके एजुकेशनल चैलेंजेज हैं। एजुकेशनल चैलेंजेज में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चुनौती होता है कि इनके लिए शिक्षा प्रोवाइड की जाए। तो शिक्षा के लिए हमारे सबसे पहले क्या, इनके लिए एक अलग जो व्यवस्था हमारी चल रही है, आज हम शिक्षा की जिस व्यवस्था से जुड़े हैं, ये हमारे करंट जो इशूज हैं, ये शैक्षणिक मुद्दे जो हैं वो करंट के हैं कि आज हम जहाँ प्रायः सामान्य शिक्षा से हम बात कर रहे थे, अब हमारे लिए विकल्प के रूप में सेग्रीगेटेड एजुकेशन, जो विशेष शिक्षा के रूप में हम स्पेशल एजुकेशन के रूप में मानते हैं, फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया जो सिस्टम समेकित शिक्षा का, उस पर चल रहे हैं, लेकिन आज जो हमारा है वो इंक्लूजन का है। तो हमारा मेन चैलेंज है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंक्लूजन मेन जो है, इंक्लूजन क्या, इंक्लूजन पे है तो वो क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन का, एजुकेशन ये हमारा मेन चैलेंज हुआ, ये हमारा मेन इशू है आज उनके लिए शिक्षा। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हम शिक्षा देना चाहते हैं तो हमारा शिक्षा का जो प्रणाली है सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए, बैरियर फ्री। बैरियर फ्री हम कब मानेंगे? अगर हम हेयरिंग इम्पेयर्ड की बात करें, अगर उसी डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो बैरियर फ्री एजुकेशन कहाँ पे होगा, यानी शिक्षा, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था जो बिना बाधा रहित हो रहा है, उनके लिए दिक्कत नहीं आ रही है, वो सहज भाव में कच्चा कच्च में अपने आप को पा रहे हैं और जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनकी पूर्ण सहभागिता हो रही है। तो पूर्ण सहभागिता के लिए ये बैरियर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, हमें उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट देखना है। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, यू शेप और अकॉर्डिंग टू हियरिंग लॉस हम उनको बैठने की व्यवस्था देंगे। दूसरी व्यवस्था क्या हमारी होगी, वो होगी कि बच्चे वेल इक्विप्ड हैं या नहीं है, यानी कौन सा संवर्धन, उनका हियरिंग एड, हियरिंग एड होना बहुत जरूरी है। कच्चा कच्च में बच्चा अगर है तो हमारे पास प्रायः उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुलभ करने के लिए हमें चाहिए एड्स एंड इक्विपमेंट्स, ग्रुप हियरिंग एड। ग्रुप हियरिंग एड में चाहे इंफ्रारेड सिस्टम हो, चाहे हार्डवेयर सिस्टम हो, हार्डवेयर तो पहले से था, हार्डवेयर सिस्टम था, तो आज थोड़ा सा हमें और डेवलप टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम उनको लूप इंडक्शन सिस्टम, हार्डवेयर सिस्टम ये हमारे पुराने थे, आज नई टेक्नोलॉजी में इंफ्रारेड सिस्टम की बात आ रहा है, FM सिस्टम की बात आ रहा है, FM सिस्टम की बात आ रहा है। तो ऐसे सिस्टम जो एनालॉग तरीके से हैं और बच्चों को डायरेक्ट बगैर किसी बाधा के एक प्योर टोन उनको परसीव हो रहा है, तो अगर हम ग्रुप हियरिंग एड वगैरह बच्चे को दे देते हैं तब वो कच्चा कच्च में अपने आप को सहज रूप में पाएगा। फिर क्या होगा, फुल पार्टिसिपेशन, ये इफेक्ट होता है फुल पार्टिसिपेशन, यानी कोई भी एक्टिविटीज होता है उसमें उनकी सहभागिता का होना बहुत जरूरी है, ये कक्षा कक्ष में देखना चाहिए, हम एजुकेशन पे ही बात कर रहे हैं। फिर क्या होना चाहिए, उनके पास स्पेशल एजुकेटर्स, प्रायः आज जो है एक प्रशिक्षित अगर उस विकलांगता को ध्यान में रखते हुए, तो स्पेशल एजुकेटर्स तमाम हमारी प्राइमरी एजुकेशन की जो व्यवस्था है उसमें हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं, लेकिन क्या है, लैक है, कमी है,
कमी है किसकी, स्पेशल एजुकेटर की। स्पेशल एजुकेटर्स आज जो व्यवस्था है हमारी, आज प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की या माध्यमिक एजुकेशन की, तो जितनी हमारे डिसेबल पर्सन है उसके हिसाब से हम बच्चों को वहाँ पे शिक्षण के लिए नहीं दे पाते। प्राय जो हमारी मेन चुनौती है उनको शिक्षा को लेके ही है। आज जो व्यवस्था है हमारी, हम स्पेशल एजुकेटर्स को ब्लॉक स्तर पे दिए, एक ब्लॉक में 3 प्राय, और कहीं पे एक ही है कहीं पे 2 हैं। अब एक ब्लॉक में हमारे पास कम से कम 110 से लेके 160 तक प्राइमरी स्कूलें हैं। ऐसी जगहों पे अगर हम 3 स्पेशल एजुकेटर जो SSA के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के, तो क्या हो गया कि हम प्रतिपूर्ति करने के लिए खाए तो, लेकिन वो आंशिक रूप में हो रहा है। इसका जो होना चाहिए वो नहीं है। और रेशियो क्या है, अगर हम सामान्य बच्चे की बात करें तो रेशियो 30 बच्चों पे एक छात्र, छात्रों पे एक टीचर की थी। हम इनमें प्राय 7-10, 7-10 बच्चों के साथ एक शिक्षक को लेते हैं। स्पेशल चाइल्ड जो हमारे हैं, इन स्पेशल चाइल्ड को अगर हम ध्यान देते हैं, स्पेशल एजुकेटर को, तो हम शायद हम उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं इस शिक्षा व्यवस्था में। हमें इन चैलेंजेस पे, जो इसके चैलेंजेस हैं जो अभी हमने चर्चा की, इन चैलेंजेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो शिक्षा प्राय, जैसे इनके और क्या चीज़ें हैं, हम इन पे इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। सबसे जो मेन था, जो हमारा पार्ट अभी छूटा था, इम्पैक्ट ऑन लिटरेसी स्किल। ये जो पार्ट छूटा था अभी, मैंने इसको फिर जोड़ा, क्योंकि ये एजुकेशनल है, जिस शिक्षा की हम बात कर रहे थे उसी पे है। इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी स्किल, यानी एक हियरिंग इम्पेयर्ड का क्या प्रभावित हो रहा है, साक्षरता। लिटरेसी स्किल के 2 पिलर होते हैं, कौन सा, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग राइटिंग 2 पिलर हैं लिटरेसी स्किल के। लिटरेसी स्किल अगर हम रीडिंग राइटिंग बात करें, एक नॉर्मल बच्चे के लिए तो बेहतर है। उम्र के साथ जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है उनका भाषा विकास होता है, भाषा विकास के साथ साथ उनपे साक्षरता क्षमता का भी विकास हो जाता है। जैसे प्राय विद्यालय में जाना बच्चा चालू कर देता है, प्री प्राइमरी एजुकेशन से ही उसमें रीडिंग या राइटिंग देखने को मिलता है। लेकिन लिटरेसी स्किल अगर हम एक श्रवणबाधित बच्चे का अगर हम करना चाहते हैं, तो प्राय अब समझना होगा, हम अगर लेट इंटरप्रेट बच्चा है, बच्चा का जो पहचान हुई जिस समय वो लेट हुआ, तब इंटरवेंट भी लेट हुआ, बच्चे का भाषा विकास नहीं था। इंटरवेंट होने के बाद जब हम उसके पास हियरिंग एड देते हैं, तो हियरिंग एड देने के बाद से वो पूरी तरह से आवाज और ध्वनियों को समझना चालू किया। यानी हियरिंग एज उसका तब हुआ जब बच्चे को हियरिंग एड आपने दिया। एक नॉर्मल बच्चा जब पैदा हुआ तभी से उसका भाषा विकास चालू हुआ, लेकिन एक श्रवणबाधित बच्चे का संवर्धन जो था वो पूरी तरह से अफेक्टेड था भाषा का। भाषा का संवर्धन तब चालू हुआ जब हम हियरिंग एड उसको पहनाए, और जब हियरिंग एड बच्चा पहना फिर उसके बाद उसका सुनना चालू हुआ। तो ये हमें देखना है, ये जो गैप बन रहा है, एज ऑफ हियरिंग उसका तब हुआ जब वो बच्चा हियरिंग एड लिया, तब उसका साक्षरता, तब हम बच्चे के साथ प्रेशर, सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होता है, जब बच्चे को हियरिंग एड मिला तभी हम उसको भाषा भी, वाणी भी, सोशल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज से रिलेटेड हर चीज का विकास करना चालू कर देते हैं। तो बच्चा एकदम टायर्ड हो जाता है। तो एक सामान्य बालक के और एक स्पेशल चाइल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड बालक का अंतर अगर आप समझेंगे, भाषा का विकास का या लिटरेसी स्किल डेवलपमेंट का, तो मेन हमारा जो यहाँ ये गैप बन जाता है, जहाँ बच्चा पैदा होने के साथ ही उसका भाषा विकास होना चालू हुआ, जैसे जैसे बच्चा बढ़ते गया वैसे वैसे उसका नॉर्मल रूप में विकास होते गया। और अगर हम श्रवणबाधित बात कर ले, सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए उसकी प्राय जो फर्स्ट एज में, सेकेंड एज में जो जो, या 3 महीने 6 महीने जैसे नॉर्मल बच्चे का होता है, हम प्राय इसमें अगले साइड में दिखाए भी थे कि कैसे कैसे भाषाई विकास हो रहा है, लेकिन एक श्रवणबाधित बच्चे का बाधित है।
प्रभावित है उसका, और वो प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा लास्ट में उसके जाके, जब उसकी भाषा नहीं विकास होगा, वाणी का विकास नहीं हुआ, कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और बच्चा चला गया पढ़ने। एक सामान्य बच्चा जो तमाम भाषाओं को लेके तब पहुंचता है स्कूल में प्री प्राइमरी एजुकेशन में, और इस बच्चे को तो प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी शायद इसकी प्रक्रिया ही इतना डिले हो जाती है कि जब तक हियरिंग एड मिलता है तब तक एक सामान्य बालक उसी एज का थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में रहता है, और ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाके या शुरुआत करता है जहां से केजी की बात करते हैं, तो एक गैप सा बन जाता है। ये गैप उसके लिए हीन भावना जैसे भी होती है, वो अपने आप को इन्फीरियर समझने पर लगता है, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है ऐसे बच्चे प्राय, जब बड़ा बच्चा एक छोटे बच्चे की क्लास में होता है। तो ये तमाम इशूज और चैलेंजेस है जिस पे आज हमने चर्चा किया। आज हम आपको, आप लोगों को इस लेसन में आपको मेरा, हमने बताया कि क्या क्या कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन बताया, फिर मोड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के बारे में हमने चर्चा किया कि कौन कौन से मोड हैं, फिर उसके बाद हम इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस की चर्चा किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लिटरेसी डेवलपमेंट कैसे प्रभावित होता है इसका एक शॉर्ट डेमो लेके हम आपके साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।